एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने तो कल मेरा रूम देख ही लिया होगा, कितना गंदा था भगवान, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी मैं आपको बताती हूँ मेरे रूम की हालत। ये देखो कैसे शिवाय और इधर साइड में प्रिंसी सोई है, और मेरे रूम की हालत आप देख सकते। इधर भी सब मैंने कपड़े ठूस ठूस के भर दिए हैं। इधर देखो इनमें भी सब कपड़े भरे हुए हैं। इधर भी सब सामान बिखेरा पड़ा है कूलर पे भी। और ये उठ गए हैं बट उठना नहीं चाहते हैं, बाप बेटी या दोनों। 10 बज गई है बट मेरा अभी तक खाना भी नहीं बना है। अब मैं खाना बनाऊंगी। सत्यम भाई का पानी तो अच्छा खासा बॉईल हो गया है। हमारा इंडक्शन ख़राब हो गया ना, इसलिए हम गैस पर काम कर रहे हैं सारा। मेरा आधा खाना तो बन गया। मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, दाने वाली सूखी एकदम, और फीकी दाल बनी है क्योंकि सूखे के साथ में कुछ लिक्विड होना ज़रूरी है। और रोटियां बनाऊंगी। आटा गूंध कर रख दिया है मैंने। ये देखो मेरा आटा गूंधा गया है। इधर सब्जी भी हो गई है और इधर मेरी दाल और प्रिंसी के फिंगर। सत्यमेव का पानी हो गया, मैं रोटियां बना लेती हूँ फटाफट से। सत्यम भैया हेयर कट करवाने गए हैं तो आएंगे, फिर ना ही उनका पानी मैंने गर्म रख दिया है। और गर्मी इतनी है पानी आने का नाम नहीं हो रहा है। शिवाय भी सोकर उठ गया, इनके लिए चाय बना। गैस पर पता है तपेली इतनी जलती है ना, इसलिए मैं जर्मन की तपेली यूज कर रही हूँ। जर्मन की तपेली में फुल फ्लेम में भी बनाना कुछ नहीं होता, और स्टील की तपेली तो थोड़ी सी भी फ्लेम हाई हुई की जल जाती है। ये तपेली ना जलती है, इसको फुल फ्लेम में भी कुछ कर लो। अभी टाइम हो रहा है 11 भी फिक्स नहीं बची, 10:55, 56, 57 हो रहे हैं। मेरे को गिनती भी नहीं आती हिंदी वाली। सो मैं जा रही हूँ अभी हरी मिर्च लेने के लिए खेत में। चप्पल पहनूँ? प्रिंसी सो रही है, मेरा काम हो गया है बस। अब झाड़ू पोछे रहे हैं किचन के, मैंने झाड़ू निकाल दी है। मेरे रूम में तो नीचे बिस्तर लगा हुआ है, प्रिंसी सोई है उस पे। तो कैसे क्या करूँ, पूरा फैला रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे रूम में क्या करना मैंने। और सत्यम भैया के रूम की अभी निकालना है और हॉल की झाड़ू पोछा करना है। तो मैं मिर्ची लेने जा रही हूँ अभी। मम्मी का आज ऋषि पंचमी का उपवास है। मैं नहीं रहती ऋषि पंचमी का फास्ट, मेरे को पसंद नहीं है मतलब रहना ज़्यादा, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और उससे पहले भी नहीं मैंने लिया था। तक मैं मिर्ची तोड़ने कहाँ आई हूँ। यह हमारा घर और यह हमारा मिर्ची का खेत। यहाँ से मैं हरी मिर्ची तोड़ूंगी। किधर के झाड़ पे ज़्यादा लगी है, इधर लगी है। आराम से बैठ के देखा मिर्ची या तोड़ा। तोड़ने वालों को ना हैबिट रहती है, एक बार में इतनी सारी तोड़ लेते अपने तो हाथ भी नहीं चलते। मेरे हाथ से तो छूट रही है। थोड़ी सी ले जाती हूँ, लगेगी तो और लेने आ जाऊंगी। सभी टाइम हो रहा है 11:15 और मैं खाना खा रही हूँ। दाल रोटी और बैंगन की सब्जी और इधर पापा खा रहे हैं।
शिवाय को भूख नहीं है, बोले मैं नहीं खाना खाता, तो वो नहीं खा रहे, वो आगे फोन चला रहे हैं। कहा जाला तू, और तू कहा जाला दो दिन से बिना नहाए धोए बच्चे मेले, और बिना नहाए धोए बच्चे मेले। वो दादू आ गए, दादू भी आ गए ले, किसकी गाली है? अब उसके पप्पा को देख के कैसी करे, क्या हवा दो। आहो लोटो पापी ना हो तो इसको आहो लोटो पापी ना, मम्मी पिनाओ तो निकाल के फेंक देती हूँ। तो उसका पप्पा दिख रहे हैं। अदवी खाना खाया बेटे? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अदवी अदवी देखो बोरी 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 देखो विदु उसके पापा जी सामान लाए थे तो देख रहे हैं। बता बेटू आपका हाथ देखो छोटे से मेरे बच्चे को कैसी छुई लगा दी, दर्द होता ना बाबू, किसने लगाई? डॉक्टर छाप को छाप क्यों बोलते? उसको सिर पर डॉक्टर बोला कर वो तो छुई लगाता। देखो उसको चुपा चुप दे रहे। अब क्या है ये? नहीं तेरे पापा जी कुछ और बोलते। कैसे निकलते है? चुपा चुपी बोलते है शिवा इसको। क्या है? चुपा चुपी नहीं है, चुपा चुपी नहीं है वो। अच्छी लगती है आपको ये? प्रिंसी क्या कर दिया ये देखो, इसको ये खाने को दिए थे तो इसने खाए तो नहीं, बारिश कर दी अपने ऊपर। मामी तो नहीं पजाएगी ना प्रिंसी देखो। आओ तुम्हारा उपास टूट गया, गाठिया खा लिया तुमने तो। ए? तेरे पापा का नहीं नहीं खाओगे, उपास टूट गया तुम्हारा। भरो अतिरिक्त के वो खाएगा। ये देखो कितना फैलारा किया है प्रिंसी ने, और अद्विक का खाना ये रहा। बहुत पजाऊंगी लाडो ते को मैं, इसको इसके अंदर डालती, इसको तो मैं पट ले। अभी मैं वीडियो अपलोड करके जा रही हूँ वापस से घर, 4 बज गए। अब घर जाके काम करो, रूम का पसारा वगैरह। सच्ची में बहुत थक गई हूँ यार, मैं 2 दिन से बहुत थक रही हूँ। ये बच्चे को, इसको भी बुखार आ रहा है, अद्विक को, विदित को, मम्मी को, प्रिंसी को, ये सब बीमारी हो रहे हैं, इसको और दवाई देना पड़ेगी। अभी हम आ गए हैं घर, और घर पर आए तो हमको एक हंगामा दिखा, बताओ मैं, वो भी सत्यम भैया का। इनको देखो यहाँ कंप्यूटर सिस्टम चालू कर रहे हो, हमारे कंप्यूटर सुधारने वाले सर। आहो तुम मेरे को कंप्यूटर सिखाते थे, याद आया कुछ? कहीं भी नहीं याद आया। इनका ना मुंह फूका है, सुबह भी नहीं खाना खाया इनने। ये इनको देखो मस्त तरीके से सीपीयू को सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आहो तुमको आ जाता तो फिर क्यों अपन हाथ डाल रहे हैं? पागल हो गए, बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हुए शिवम कुशवाहा जी। आपको कैसा लग रहा है आपके ब्रदर काम कर रहे? तो करके देना चाहिए।
तुम्हारे प्रोडक्ट अभी तो चालू होना चाहिए, फर्जीवाड़े की चीजें लेके आते हो तो। अभी टाइम हो रहा है 5:27 और मैं अब खिचड़ी बना रही हूँ। मेरे महादेव ने इतनी लड़ाई की ना, सुबह भी खाना नहीं खाया, मम्मी ने भी इतनी रिक्वेस्ट की कि जमाई खाना खा लो, नहीं खाया, भाभी ने बोला तो भी नहीं खाया, और अद्विक ने बोला ना तब भी नहीं खाया, बोले मेरा फास्ट है मैं नहीं खाता, ये वो बहुत सी लड़ाइयाँ वगैरह की, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था किसी बात से। तो अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मेरे को बोलते कुछ अच्छा बना, बोला अच्छा क्या बनूँ, बोले जो तुम खाओ, बोला मैं खिचड़ी खाऊंगी, बोले मैं नहीं खाऊंगा, बोला फिर मैं नहीं खाऊंगी, मेरी फेवरेट है खिचड़ी, बोले नहीं कुछ और बना, बोला मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, खाना तो खाना, तो अब खिचड़ी ही बना रही हूँ, खा लेंगे वो भी। सही तो खिचड़ी बनाती हूँ। प्रिंस जी ने तो इतना परेशान करके रखा है कि क्या बताओ, पोटी करी, पूरी बॉडी गंदी कर ली, बताओ आप कैसे, हाथ मुंह में डाल रही, पैर मुंह में डाल रही सब। तो फिर उसको पूरी मैंने गर्म पानी से धोई, नहला के मतलब साफ की, और उसको बाहर पहुँचाया ड्रेस पहना के। अब मैं खिचड़ी बना के पहले तो अपना रूम फटाक से क्लीन कर लूँ, इतना गंदा है सारे रूम, मतलब क्लीन है, देखो किचन पूरा क्लीन है, थोड़ा भी अनव्यवस्थित है स्टैंड, बाकी देखो ये रूम पूरा क्लीन है, ये रूम में भी थोड़ा बहुत पगासा सत्यमान लगा लिया है, और मेरा रूम देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो बिखेरे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मतलब ना मेरे रूम को मैं देख रही हूँ ना, तो चीड़ सी आ रही कि भगवान ये मेरा रूम है, इतना ज्यादा गंदा हो गया है, गुस्सा बहुत आ रही है। फटाफट से ना खिचड़ी बना के उसको क्लीन करूंगी मैं, क्योंकि प्रिंसी आ जाएगी तो होगा नहीं, अभी तो मेरे को मेरा जो भी गद्दी वगैरह कल जल्दी जल्दी मैंने ना गोदड़िया वगैरह ही बिछे कर गद्दे बिछा के बेड लगाऊंगी मेरा। आधे से ज्यादा काम फिनिश हो गया है तो, और इसको देख केचा, देख ला तू मेरे को, यहाँ तो बुट्टे चल रहे हैं, सत्यम भैया दो आए, बाप रे मेरे बेटा को देखेगी मम्मा, मम्मा टिक गई, इसलिए मैं आने ली थी तेरे पास, टिंडाई आई आई, नहीं आना नहीं आना, लाओ दो मम्मी दो तो बुट्टे बुट्टे मिठे लेती। फिलहाल ना मैं अभी खरगोन से जस्ट घर आया हूँ, और जैसे घर के अंदर पांव रखा रूम में आया, और आपकी दीदी और प्रिंसी को देख के ना आप सब हैरान हो जाओगे। देखो क्या है बाबू ये, देखो कैसी सोई है प्रिंसी मेरी, ये प्रिंसी को ऐसे देख के क्यों, हम मेरे को क्या मालूम यार, देखो मेरे गोल गप्पे को, और हंस रहा है वो कमीना, बाबू खाना दो ना, अब ये नीचे सुला रही तो रो रही ना यार, खाना दो ना, ये इसको सुलाएंगे तो रोएगी यार बाबू। तो फाइनली प्रिंस ही यहाँ सो गई है, छोटा सा चूहा, चूहा इसको लेकर भाग रही थी मुंह में, कैसा दिख रहा है मम्मी, उसका बच्चा नहीं है, बड़े चूहे का बच्चा है ना, चूही जरा सी थी, ये देखो उसके अपना जो बड़ा है चूहा था ना एक बिल्लास का, उसका बच्चा है ये, अलग ही उसके कान दिख रहे हैं। हाँ सही बोलो तुमने, हमारे कमरे में से उसको लेके भागी बाबा, नहीं मम्मी मेरा मन नहीं हो रहा उसको फेंकने का, छोड़ दे उसको साइड में,
नहीं मम्मी मर जाएगा। कहीं नहीं घुसे, छोड़ दें दो मम्मी, बेचारा बच्चा मर जाएगा। हाँ छोड़ देती इसको ना, मैं साइड से छोड़ देती हूँ। देखो मम्मी गणेश जी चल रहे हैं और इसको मैं मार नहीं सकती यार बच्चे को। ये देखो मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ यार। है एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज ही रहे होंगे। सो अभी हम खा रहे खाना, मेरे को इतनी भूख लग रही थी, शिवाय ने तो कुछ खाया नहीं था तो पानी पूरी खा ली हूँ। ये देखो खिचड़ी, चाट, सेव, दाल रोटी सब खा ली। उनको भूख लगी ना, खाना खाओ। मेरे मुंह को ताकरे पर खाना नहीं खा रहे, खाओ खाओ खाना खाओ। सो अभी हम खाना खाते हैं और मेरे को थोड़ा और काम बाकी है तो काम करूँगी। और